उज्जैन से हैं हमारे साथ महावीर जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर, आप तो सारे प्रोग्राम देखते हैं। हाँ, प्रोग्राम तो लगभग देखता हूँ, फिर एक दिक्कत आ जाए फिर बात कर लो। कोई बात नहीं, बताएं, सवाल करें सर। क्योंकि उम्र 73 साल और यह घर पर रहूं हूं तो देख ही जाऊं, देखना फायदा भी रहे। जी जी, जुड़े रहिए सर हमारे साथ, ऐसे ही कॉल करते रहिए, बताइए आज क्या सवाल है। इसमें ऐसा है जी, आपके नुस्खे मेरे बाकी सारे फिट हो रहे हैं, फायदा बहुत हो रहा है। यो एक प्रॉब्लम दिक्कत है, इसकी हकीम जी हल करें जी, सुझाओ। जो यो अदरक लहसुन जैतून का सरकार नींबू का जो यू बना रखा है, सर्दिया में लू तो मेरे खोए दुखन लग जाए नींबू की वजह से, गर्मी में लू तो छाती में गर्मी शुरू हो जाए है, और जमा मात्रा कम ले फिर भी धुंधला दिखना शुरू हो जाए है इस लहसुन की वजह से। यहाँ हमारे पास जींद में कई सेब के मुरबे का बनाते, सेब के शर्के का बनाते हैं, ये तीनों चारों चीज डाल के फिर वो उसको उबाल के गर्म करें, हाँ आधा रह जाए उस टाइम उसमें ये मिलाओ है शहद, और फिर वो 15 दिन कामयाब है, आगे तो नुके हैं वो खराब हो जाए है। क्या वो इसी नुस्खे को मैं उस टाइप में ले सकूं के भाई इतना मतलब ज्यादा इसका उबाल के आधा रखू ताकि या इसका कुछ असर कम हो जाए गर्मी का या ठंड का या धुंधला ना दिखे, इसके बारे में हकीम जी मेरी कोई प्रॉब्लम हल करो। बाकी सारे फैक्टर यूज उसका कामयाब नहीं हो रहा, मेरे ब्लॉकेज भी हैं, तो दिक्कत ये आ रही है। अच्छा देखिए, कुछ कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जिनको ये नुस्खा नहीं चलता, क्योंकि इसमें नींबू और सिरका है, तो वो जिनको नहीं चलता वो इस नुस्खे को ना इस्तेमाल करें, और इसकी जगह पर जो आपको लेना है वो लेना है नमक जैतून और खाने का सोडा, 2 चुटकी नमक जैतून, 2 चुटकी खाने का सोडा, 1 गिलास पानी मिलाइए और इसको पी लीजिए दिन में 2-3 बार। खाने से पहले भी पी सकते हैं, बाद में भी पी सकते हैं। नमक जैतून और खाने का सोडा इसकी जगह पर इस्तेमाल करें दिन में 2-3 बार, 2-2 चुटकी, तो आपको इससे फायदा होना मुमकिन है जी।